तो हेलो दोस्तों, समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी 10th, चार तक बनवा चुके हैं, पांचवा बनवाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हल क्या कह रहा है क्वेश्चन? समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब नो कि कितना पद है, एक गो बा की, दो गो बा की, तीन गो बा की, चार गो बा, ऐसे गिनत गिनत 205 गो तक क गो पद बा एकरा में, आ क गो पद बा एकरा में, कितने पद है निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, पहले को क्या बोलते हैं, प्रथम पद ए, ए बराबर 7। इसका बाद डी, डी डी कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू क्या हो गया 13 माइनस 7, ए वन का मान, इसके बाद 13 मिले 7 घट्टा तो 7 6 13। आ है देखिए ये अंतिम पद हो गया, ये अंतिम पद, अंतिम पद को बोलते हैं ए एन 205। अब निकाल लीजिए, हमको क्या निकालना है, कितने पद हैं, कितने पद मतलब एन बराबर व्हाट। चलिए तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो 200 एन के जगह क्या लिखेंगे 200, बीच में बराबर का चिन्ह दिया रहता है तो यहाँ तीर का चिन्ह ले लेते हैं। ए का मान क्या है 7 प्लस एन माइनस वन इन टू डी, डी का मान 6। अब भाई 7 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 205 माइनस 7 आ गया, इधर क्या बचा एन माइनस वन इन टू 6, तो 5 में ले 7 गया, 15 में ले 7 8 हो गया 9, 198 है। गुना में है ना 6 है, कहाँ जाएगा बाटा में एन माइनस वन, कटाइए 6 3 18 6 3 18 33, सही माइनस में इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर 33 1 34 आ गया, आ गया। ये देखिए मतलब इसमें क गो पद है, 1 2 3 ऐसे ही 205 गो तक जाएंगे ना, तो 34 गो इसमें क्या है पद है। अब ऐसे ही ज्यों कहते हैं इसको निकालते हैं हल, हल हल हल, ए बराबर 18, ए बराबर 18, डी कैसे निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, ए टू में क्या है 15 पूर्णांक 1 1/2, तो 15 2 30 1, 31/2 माइनस 18। चलिए चलिए तो 2 लघुत्तम हो गया 31 माइनस 18 दूनी 36, तो माइनस 5/2 का मान निकाल दिए। अब देखिए अंतिम पद है, अंतिम पद को क्या बोलते हैं ए एन, तो एन का मान माइनस 47 है, एन बराबर वाट मतलब कितने पद हैं, तो एन का मान हमको निकालना है, तो सूत्र रख लेना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन का मान माइनस 47, ए का मान 18 प्लस एन माइनस वन, आ डी का मान माइनस 5/2 है, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 47 आ माइनस 18 बराबर एन माइनस वन इन टू डी का मान माइनस 5/2, 8 7 15 आ 5 1 4 1 5 1 6, माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस से का चिन्ह रहता है, 2 गुना में है ऊपर जाएगा भागा में है तो गुना में जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा माइनस 5, यहाँ एन माइनस वन का है, उन्हें क्या समझ में आवत, 13 5 65, तब 13 2 26 बराबर एन माइनस वन। नहाएंगे नहाएंगे अभी, रुक जाओ, चला तू भागा पंडित बता तब पहले नहाएंगे, चलिए नहाएंगे कुछ देर में, चिंता नहीं करना है, सबसे पहले मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ देखिए एन ये हो गया 26, माइनस में इधर आएगा तो प्लस वन, एन बराबर 26 है 1 27,
क्या करिएगा। चलिए छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एपी क्या एपी इतना 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है, माने एगो कोई पद कह रहा है कि 150 है कि नहीं, हमको देखना है कि क्या कोई पद 150 आ रहा है, आएगा तो सही है वरना नहीं। तो हल तो 150 ए एन एन बराबर माइनस 150। कह रहा है कि कोई पद 150 है, कोई पद 150 है, तो मान लेते हैं कि एन और कोई अंतिम पद है और 150 है। चलिए अब आगे बनाते हैं। ए का मान क्या दिया है 11, डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, बात मत करो लोग, 11 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए ए एन, तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ए का मान एन दिया है ना माइनस 150। अब ध्यान दीजिए ए का मान 11 प्लस एन माइनस वन है, डी का मान, डी का मान कती का कर दिए 8 माइनस 11 होगा जी, 8 माइनस 11 तो माइनस 3 होगा, तो डी का मान क्या आया मेरा माइनस 3 है, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 11 बराबर एन माइनस वन इन टू डी के जगह माइनस 3। अब इका हो जाएगा 161 है, गुना में है बटा में आएगा तो माइनस 3 बराबर एन माइनस वन कट गया, तो एन का मान क्या निकला मेरा एन बराबर 161 बराबर बटा 3 प्लस 1, तो एन का मान हमारा सही नहीं निकला। इसका मतलब कोई पद 150 इसमें नहीं है, 164 बटा 3। एन का मान हमारा कोई संख्या आना चाहिए पूर्ण संख्या, तब समझ में आएगा कि कोई पद 150 है, तो कोई संख्या आ ही नहीं रहा है तो बटा में आ गया, इसका मतलब एन का मान सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पद 150 नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभी उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 31 बराबर वाट यह निकालना है, जिसका 11वां पद, 11 पद का मतलब ए 11, 11वां पद कितना दिया है 38। अब इसको क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 38, सही 11 है ना, तो ए एन ए, तो ए प्लस 11 माइनस 1 डी बराबर 38, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 11 में ले घटा तो 10 डी बराबर 38, समीकरण 1। अब कह रहा है कि 16वां पद 73, तो ए 16 बराबर 73, ये ना 16वां पद हुआ, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 73, तो क्या हो जाएगा ए आई 16 में किसे गया तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो ए प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण 2। कौन बड़ा है, चलिए ये बड़ा है तो 2 माइनस 1 यहाँ बना देते हैं, चलिए यही बन जाएगा 2 माइनस 1 से, तो ए प्लस 15 डी बराबर 73 क्या हो जाएगा ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी बराबर 38, घटा रहे हैं ना तो घटाओ 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 भाई खत्म हो गया तो 5d, 15d मिले 10d घटा तो 5d वही हो जाएगा। अब देखिए 13 मिले 8 तो 5 हो गया, वही हो गया 6 मिले 3 तो 3, 7 5 35 डी बराबर 7। अब d का मान 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, d का मान मान लीजिए हम रखते हैं 1 में, तो d का मान 1 में, तो डी का मान एक क्या है समीकरण ए प्लस 10d बराबर 38, तो ए प्लस 10 डी का मान 7 बराबर 38, तो
ए बराबर का हो जाएगा 38 और 10 7 70। तो ए का मान क्या मिल गया हमारा, 2 7 में से 6 में से 3 गया 3 माइनस 32। तो ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए 11 ए 11 नहीं ए 31 निकालना है, सही है ना। तो ए ए 31 छोड़िए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान माइनस 32 प्लस हजार का हो जाएगा 31 माइनस 1 और डी का मान, डी का मान मिल गया हमारा 7। तो माइनस 32 प्लस 30 में ले 1 घटा 31 में ले 1 तो 30 और 30 गुने 7 तो 70 का 210 घटा दीजिए 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा 20 20 में से 3 तो 178। मतलब ए 31 क्या हो जाएगा 178। इतना आप छाप लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद हैं, टोटल पदों की संख्या कितना है 50। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद हल हल तीसरा पद क्या हो जाएगा ए 3 बराबर 12। ए 3 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर 12। अब कह रहा है कि अंतिम पद, तो 50 को पदे है वो, इसमें कौन पद है 50 को पदे है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका 50 है ना। कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन कर दिया है, शुरू में ही दे दिया है, इसको बहुत बढ़िया से समझना है हमको। कह रहा है कि एपी में 50 पद है, मतलब 50 गो पदे है, तो अंतिम में क्या आएगा 50वें पद ना आएगा, तो अंतिम पद कह रहा है 106, इसका मतलब ए 50 बराबर क्या दे दिया आपका 100। तो ए 50 बराबर दे दिया है 106। तो ए 50 को लिख सकते हैं ए प्लस 49d, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा 106। इस समीकरण एक, इस समीकरण दो, अब दो घटा एक से कर लीजिए, दो घटा एक से यही कर देते हैं, दो घटा एक से ए प्लस 49 बराबर 106 और ए प्लस 2d बराबर 12। घटाओ 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 कट गया, तो क्या बचा आपका 47 47t बराबर क्या हो जाएगा 4994। तो डी का मान क्या आ गया आपका 2। डी का मान रख दीजिए एक में, डी का मान एक में, डी का मान एक में, तो डी का मान एक में, तो ए और 2d का जगह 2 बराबर 12। तो ए बराबर 12 माइनस 2 दूनी 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 मिले 4 घटा तो 6 8 9। तो ए का मान मिल गया आपका 8। हमको निकालना क्या था, 29वां पद निकालना है, क्या निकालना है 29वां पद। तो ए 29, तो ए प्लस 28d, ए का मान हमारा, ए का मान निकल गया इधर क्या है 8 प्लस 28, डी का मान 2, 8 प्लस 28 दूने 56, 8 6 14, 5 1 6 64। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा क्या हो जाएगा A3, तो A3 तीसरा पद क्या दिया है 4 और 9वां पद माइनस 8, तो तीसरा पद हो जाएगा 4। तो ए प्लस तीसरा पद का मतलब ए प्लस 2d बराबर 4 और 9वां पद, तो ए नाइन बराबर माइनस 8, तो ए प्लस 8d बराबर माइनस 8। इस समीकरण हो जाएगा ए का, वही समीकरण हो जाएगा 2, 2 घटाव एक से कर दीजिए, 2 घटाव एक से भगवान है कहाँ रे तू, ए प्लस 8d बराबर माइनस 8, ए प्लस 2d बराबर 4,
घटाओ घटाओ घटाओ, वही कट गया तो छ डी हो जाएगा, छ डी घटाओ घटाओ घटाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा आठ चार, माइनस है ना तो माइनस माइनस जोड़ेंगे माइनस का चिन्ह रहेगा आठ चार माइनस बारह, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बारह बाटा छ, छ दूनी बारह, डी बराबर दो माइनस दो, डी का मान क्या आ जाएगा आ गया हमारा माइनस दो, डी बराबर माइनस दो। अब रख दीजिए डी का मान निकल गया, अब हम ए का मान निकालते हैं, डी का मान एक में रख दीजिए, डी का मान एक में, डी का मान एक में, तो चलिए ए प्लस टू डी का मान माइनस टू बराबर चार, ए बराबर ए दुदुनी माइनस प्लस माइनस दुदुनी चार बराबर चार, तो ए बराबर चार प्लस चार, तो ए बराबर आठ। अब हमको क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब नो हम मेरा एन का मान निकालना है, ए एन बराबर जीरो हो गया, कौन सा पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो जीरो हो गया, ए का मान, ए का मान मिले गया आठ प्लस एन माइनस वन इन टू डी का मान माइनस दो, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस आठ बराबर एन माइनस वन, देखिए गुना में है कहाँ आएगा माइनस दो बट्टा में आ जाएगा, तो माइनस माइनस चार दूनी आठ, तो एक माइनस में इधर आएगा तो चार प्लस एक बराबर एन, एन बराबर हो जाएगा आपका, मतलब जो पांचवा पद होगा ना इसका वो हमारा क्या आएगा पांचवा पद इसका शून्य आएगा। इतना छापिए इसके बाद आगे बताते हैं।